मेरा नाम डॉक्टर तारंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। मेरे साथ है फातिमा शेख जी। फातिमा शेख जी जब हमारे पास पूना से आए हैं, मैं मुंबई सेंटर में हूँ आज, और 26 मई को हमारे पास पूना से आए थे ये मुंबई सेंटर में। सीए ब्रेस्ट का केस, ग्रेड 3 कैंसर, ERPR नेगेटिव, HER2 न्यू पॉजिटिव, ऑपरेशन करा कर आए थे। ऑपरेशन कराने के बाद जो गांठ थी, जब अल्ट्रासाउंड में आई थी तो वो 10.3 × 8.8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की गांठ थी राइट ब्रेस्ट में। और डॉक्टर्स ने क्या कहा था उस समय? कुछ करवा लो ऑपरेशन। ऑपरेशन तो करा लिया। मैं इनकलर हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट रिपोर्ट आ गया, तो फिर उन्होंने पहले मुझे कहा कि केमो लेना पड़ेगा। फिर मैं सब घर डिस्टर्ब हो गया था कुछ दिन के लिए, तो फिर नेट पे इधर उधर सर्च किया, बहुत से डॉक्टर, फिर जो कहते हैं ना, ढूंढने से पता मिलता है। जो भी कुछ होगा सर ठीक कर देंगे, खुदा का भरोसा था। और सबसे बात और इतना गारंटी कि अभी तो मम्मी जी, मैं तो आपसे ठीक हो गई है, ठीक तो हो गई है। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, इनकी तरफ से आ गई गारंटी। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है मरीज का कि वो अपने आप को कहते हैं। कॉन्फिडेंस हमें सर जी के पास से ही मिला है, मतलब इनके जो पेशेंट ठीक हुए। और मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी में ठीक है, मैं किसी को कुछ डॉक्टर्स हम पूरा नहीं कर रहे, पर कुछ थोड़ा सा सोच के या थोड़ा सा समय ले लो, ज्यादा भी समय नहीं इस बात में, पर थोड़ा समय ले लो, पर ये यूमन थेरेपी और कैंसर हीलर सेंटर से ही ये कीजिए। मैं केयर और ट्रीटमेंट बस, और मुझे इतना पता है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात यही कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे हर मरीज को होता है। तो ये मुझे बड़ा देख के अच्छा लग रहा है कि आपके वो चेहरे पे चमक है, ऊपर वाला ने आपको वो तेज दिया है प्लस, और दवाइयों से सबसे बेहतर मुझे आपके स्टाफ से, मतलब एक बात बताना चाहूंगा कि इनके फॉलोअप इतना अच्छा है, दो दो दिन का, एक एक दिन का फॉलोअप, हर दिन पूछते पेशेंट के बारे में, ये बहुत बेहतर बात है। मैं तो बोला बढ़िया, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं देखी इतना अच्छा फॉलोअप है, स्टाफ एकदम बेहतर। सर जी मतलब हमेशा वो, अगर आप एक वीडियो देखा हो पेशेंट्स आर फैमिली, तो मुझे ये पता है कि मैं इन्हें नहीं बचा रहा, पूरे परिवार को बचा रहा। अब इनके ठीक होने में आपके चेहरे की चमक दिखी, इनके चेहरे की चमक दिखी, आप इनकी बहू है ना, तो वो देखो चेहरे बड़ा बेटा है। तो ये सपोर्ट सिस्टम होता है जो हम पूरे परिवार को बचाता है, और इसी के लिए हम कहते हैं ना पेशेंट्स आर फैमिली। जैसे इनके ठीक होने में आपको जितनी खुशी दिख रही है, आपके चेहरे पे जो चमक आ रही है, स्माइल आ रही है, यही चमक, यही स्माइल हमारे में होती है, हमने एक और परिवार बचा लिया। एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और ये मेरा वो है पैशन, ये भी है, सब कुछ आपके यहाँ पे है। वो इतने ये है कि आते इंसान को सबसे बेहतर, मतलब जो सरकार कहना है, शायद मैं एक वीडियो देखा था, आप रोना जितना चाहो मेरे पास जाते हो, आप हंसते हो भी आओगे, और सही है। और इतना कुछ इनके चेहरे की खुशी देख के पेशेंट आपने इतने सब खुश हो के जाते हैं। क्या बात, सच में एक पॉजिटिविटी मतलब यहाँ आने के बाद मिलती है, जो जितना भी नर्वस सब ही अपने जो स्टाफ है ना, एकदम खुशी का ही टॉप आई है। स्टाफ नहीं है, परिवार है, पूरा फैमिली है। और जो दवाई देते उनका नाम, वो तो बहुत ही बढ़िया, उनकी तो बातें सब पूरा सकते सब पिछली बार अच्छे निकलते हैं, तभी हाथ में देते हैं। ये भी मैडम अच्छे से जब आते हैं, तो जब पेशेंट बैठते हैं तो आते ही पेशेंट से पहले बात करते हैं, आधी बीमारी तो यहाँ से निकल जाती है पूरी। और यही चाहिए, अब सोचो कि ये बीमारी में हर एक फैमिली का बर्डन और नारा टूट चुका होता है। हम देखिए, हम हंसती हंसती मतलब एक रौनक है। मैं तो पहले शुरू में यहाँ से इतनी खुश हो के गई, झूठ नहीं बोलूंगी, नमाज कुरान वाले लोग है हम, सच में मैं ये जवान से सच ही बात निकालती, खुश होके जाती। आते वक्त तो थोड़ा घबराहट होता है कि दुआएं बहुत है सर आपको, सच बहुत ही दुआएं, मेरी तो बहुत ही है, माँ है मैं आपकी, मेरा बेटा है, मैं आज डॉक्टर नहीं बोलूंगी, सर नहीं बोलूंगी, बेटा आपको ही बोला भी नहीं डॉक्टर, मैं आपके लिए बेटा ही हूँ, बेटा ही तो बेटा ही बेटा ही हूँ।
बस जल्दी से सर मैं जब एक बेटे को खुशी होगी वैसे ही इस बेटे को भी खुशी होगी। आप पुना में भी आपका एक बहुत जल्दी बहुत जल्द मतलब बहुत से पेशेंटों को आपसे जो उम्मीद है वो वहाँ पे भी बहुत जल्दी और मेरे दो सहेलियों को भी हुआ है कल ही मेरे आप ठीक हो।